वेदांत के सिंह की गर्जन। तुम ईश्वर की संतान हो, तुम अमर आनंद के भागीदार पवित्र परिपूर्ण जीव हो, तुम धरती पर देवत्व हो। उठो ओ सिंह, अपने आप को भेड़ मानने का भ्रम दूर करो। तुम अमर, मुक्त, पवित्र और अनंत आत्मा हो। तुम कोई पदार्थ नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो। पदार्थ तुम्हारा सेवक है, तुम पदार्थ के सेवक नहीं। वेदांत के जीवन और प्रकाश को प्रत्येक द्वार तक ले जाओ और जीव में छिपी दिव्यता को जगाओ। व्यक्ति का चरित्र पशुता, मानवता और दिव्यता का मिश्रण है। अपने अंदर छिपी दिव्यता को प्रकट करो, तब तुम्हारे आसपास सब कुछ एक लय में स्थित हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति संभवित रूप से दिव्य है। हमारा लक्ष्य अपने अंदर छुपी दिव्यता को अपनी आंतरिक और बाह्य प्रकृति को वश में कर प्रकट करना है। यह तुम कर्म से करो, भक्ति से करो, योग से करो या दर्शन से करो, इनमें से एक का आचरण करो या इनमें से कुछ का आचरण करो या इन सभी का आचरण करो और मुक्त बनो। यही संपूर्ण धर्म है। पंथ, मत, रूढ़ी, परंपरा, पद्धति, पुस्तक, मंदिर, मूर्ति द्वितीय क्रम की बातें हैं। ईश्वर मनुष्य बन गया है और मनुष्य फिर से ईश्वर बन जाएगा। व्यक्ति एक श्रेष्ठ दर्पण के समान है। जितना पवित्र व्यक्ति का चरित्र, उतना स्पष्ट ईश्वर का प्रतिबिंब। यह ब्रह्मांड एक व्यायामशाला के समान है, जहाँ जीव कसरत करने आता है और यहाँ कसरत करने बाद वह ईश्वर बन जाता है। इसलिए किसी भी वस्तु का महत्व ईश्वर की अभिव्यक्ति की सीमाओं से निश्चित होता है। व्यक्ति की सभ्यता उसकी दिव्यता को अभिव्यक्त करती है। पहले हम भगवान बनते हैं और बाद में दूसरों को भगवान बनने में सहायता करते हैं। बनो और बनाओ, यही हमारा हेतु होना चाहिए। जो इस बात से ना कहता है वह व्यक्ति पापी है। उससे कहो कि वह ही भगवान है, फिर वह शैतान ही क्यों ना हो। यह याद रखना हमारा कर्तव्य है कि भगवान सदैव और शैतान कभी नहीं। अगर मैं अपने विचारों को दूसरे शब्दों में रखूं, तो वो होंगे मानव जाति को उसकी दिव्यता का उपदेश देना और उस दिव्यता को जीवन के प्रत्येक क्षण में प्रकट करना। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति में है, भले ही वह व्यक्ति जानता हो या न जानता हो। आपकी प्रेममय भक्ति उनमें दिव्यता को लाने के लिए बाध्य है। मानव जाति का सर्वोच्च लक्ष्य और सभी धर्मों का उद्देश्य और अंत एक ही है, ईश्वर के साथ पुनः मिलन या उसके समान देवत्व वाला बनना, जो कि हर व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप है। परंतु लक्ष्य एक होने पर भी उसे पाने की विधि व्यक्ति के विभिन्न स्वभावों के कारण अलग-अलग हो सकती है। एक विचार जो मुझे दिन के उजाले में भी स्पष्ट दिखाई देता है, वह है कि दुख अज्ञान के कारण होता है और कुछ नहीं। दुनिया को प्रकाश कौन देगा? अतीत में त्याग एक नियम रहा है और आगे भी रहेगा। अफसोस, पृथ्वी के सबसे वीर और श्रेष्ठ लोगों को
सबकी भलाई और कल्याण के लिए अपने आप को बलिदान करना होगा। सनातन प्रेम और दया के साथ सौ बुद्ध की आवश्यकता है। सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, इस बात पर विश्वास करो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, और इस विचार से दूर रहो कि तुम दुर्बल हो। उठो और अपने अंदर छुपी दिव्यता को व्यक्त करो। यह एक अद्भुत सत्य है कि यदि आप में वास्तविक मूल्य हैं, तो आपके विरुद्ध जितनी परिस्थितियां होगी तब आपके अंदर उतनी ही अधिक आंतरिक शक्ति स्वयं प्रकट होगी। आत्मा की अनंत शक्ति में पदार्थ को सहन करने के लिए भौतिक विकास होता है, विचारों पर कार्य करने के लिए बौद्धिक रूप से विकास होता है, और उस स्वयं पर कार्य करने से वह व्यक्ति भगवान बनती है। यदि एक मछुआरा यह सोचे कि वह एक आत्मा है, तो वह अपेक्षाकृत और अच्छा मछुआरा बन जाएगा। यदि एक विद्यार्थी यह सोचे कि वह एक आत्मा है, तो वह अपेक्षाकृत और अच्छा विद्यार्थी बन जाएगा। यदि एक वकील यह सोचे कि वह एक आत्मा है, तो वह अपेक्षाकृत और अच्छा वकील बन जाएगा। हजारों दुष्टों को मारकर संसार से बुराई को दूर करने का प्रयास ही संसार में बुराई को बढ़ाता है, लेकिन यदि आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से लोगों को दुष्कर्म से दूर किया जाए, तो इस दुनिया में कहीं कोई बुराई नहीं रहेगी। जब वेदांत का सिंह दहाड़ेगा, तब सारे सियार अपनी गुफाओं में चले जाएंगे। अपने विचारों को प्रसारित करें और परिणाम को अपने हाल पर छोड़ दे। हमें बस रसायनों को एक साथ रखना है और स्फटिककरण अपना काम स्वयं कर लेगा। पहले आध्यात्मिक विचारों से हमारे मन को ओतप्रोत करना होगा। सर्वप्रथम कार्य जो हमारा ध्यान आकर्षित करता है, वह है हमारे उपनिषदों और शास्त्रों में दिए गए अद्भुत सत्य को पुस्तकों से बाहर लाया जाना चाहिए और हर जगह प्रसारित करना चाहिए, ताकि यह सत्य उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम पूरे देश में आग की तरह फैले। प्रत्येक व्यक्ति पर विश्वास रखो, चाहे वह व्यक्ति अत्यंत विद्वान या परम अज्ञानी प्रतीत हो रहा हो, चाहे वह देवदूत प्रतीत हो रहा हो या स्वयं शैतान हो। सबसे पहले मनुष्य में विश्वास करो, और मनुष्य में विश्वास रखकर ये मान लो कि यदि उसमें कुछ दोष हैं, वह कोई भूल करता है, यदि वह सबसे कठोर एवं निंदनीय सिद्धांत अपनाता है, तो विश्वास रखो कि यह उसके वास्तविक स्वभाव के कारण नहीं, परंतु उच्च आदर्शों की कमी से है। आपको उसे बस सत्य देना है और आपका काम हो जाएगा। जो कुछ उसके पास है, उसकी तुलना उसे मन में करने दे, और मेरे इन शब्दों पर ध्यान दे कि यदि आपने उसे सत्य दिया होगा, तो असत्य चला जाएगा। प्रकाश अंधकार को दूर करेगा और सत्य अच्छाइयों को बाहर लाएगा। उनके सामने सत्कर्म रखो और देखो कि वह उसे कितनी उत्सुकता से ग्रहण करते हैं। देखो कि कैसे वह परमात्मा, जो कि कभी नहीं मरता, जो मनुष्य में सदैव रहता है, जो जागता है, और जो कुछ भी अच्छा और गौरवशाली है, वह उसके लिए कैसे अपना हाथ बढ़ाता है। हमारा आनंद जितना भीतर है, हम उतने ही आध्यात्मिक हैं। हमें सुखों के लिए संसार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़े पापी से भी घृणा मत करो, उसके बाहरी हिस्से को मत देखो,
अपनी दृष्टि को भीतर की तरफ केंद्रित करो जहाँ परमात्मा रहता है। अपनी वाणी से सारे जगत में उद्घोष करो कि तेरे अंदर कोई पाप नहीं, आप सर्वशक्तिमान शक्ति के भंडार हैं। उठो, जागो और अपने भीतर के देवत्व को प्रकट करो। एक ही जीवन और एक ही संसार है, और यह एक जीवन और एक संसार हमें अनेक प्रकार से प्रतीत होते हैं। यह विविधता एक सपने के समान है। जब आप स्वप्न देखते हैं तब एक स्वप्न टूटता है तो दूसरा स्वप्न आ जाता है। आप सपने में नहीं रहते, एक के बाद एक सपने आते जाते रहते हैं। 90% दुख और 10% सुख की इस दुनिया में दृश्य के बाद दृश्य सामने आते हैं। संभवतः कुछ समय बाद यह 90% सुख के रूप में दिखाई देगा और हम इसे स्वर्ग कहेंगे। परंतु ऋषि के लिए एक समय आता है जब सब कुछ दूर हो जाता है और यह जगत और अपनी आत्मा उसे स्वयं भगवान के रूप में दिखाई देती हैं। वह नहीं है इसलिए कि वह आप ही हैं। इसलिए बहुत से जगत हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वहाँ बहुत सारा जीवन है। यह सारी विविधता उसी एक की अभिव्यक्ति है। वही स्वयं को पदार्थ, आत्मा, मन, विचार और अन्य सभी वस्तुओं में प्रकट कर रहा है। यह वही है जो स्वयं को अनेकों रूप में प्रकट करता है। इसलिए हमें जो पहला कदम उठाना है वह है स्वयं को और दूसरों को सत्य की शिक्षा देना। धर्म मानव जाति की सहायता करने के लिए है। चाहे वह व्यक्ति किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, वह दासत्व में हो या स्वतंत्र, वह गहराई में हो या गिरावट में, या पवित्रता की ऊंचाइयों पर, हमें उसकी सहायता करने के लिए तैयार और सक्षम रहना चाहिए। हर जगह समान रूप से उसकी सहायता के लिए आने में सक्षम रहना चाहिए। वेदांत का सिद्धांत या धर्म का आदर्श, आप इसे जो भी कहे, वह इस कार्य को करने से पूरा होगा।